क्लास 11 और क्लास 12 दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए वन क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम हो गया एमाइन। इसमें आप डिग्री ऑफ एमाइंस और डिग्री ऑफ एमाइड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एमाइन के बारे में एक पॉइंट देखें। जितने भी एमाइंस होते हैं वो अमोनिया से बनते हैं। NH3 का नाम आपको पता होगा, अमोनिया। सब लोग जानते हैं NH3 का नाम अमोनिया। तो जब आप अमोनिया के इस स्ट्रक्चर को हम बना लें और अगर इस अमोनिया से वन हाइड्रोजन को हटा देने के बाद एक अल्काइल अगर जोड़ दिया जाए, अल्काइल मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी जोड़ दिया जाए, तो नाइट्रोजन से चूंकि वन अल्काइल का संबंध है, जुड़ा हुआ है, इसलिए इसी को नाम देंगे वन डिग्री एमाइन, या इसी का दूसरा नाम होगा प्राइमरी एमाइन। अगर अमोनिया से टू हाइड्रोजन का आप रिमूवल कर दें, दो हाइड्रोजन आप हटा दें और इसके जगह पर दो अल्काइल डाल दें, दोनों इक्वल भी हो सकता और इक्वल नहीं भी हो सकता, तो ये हो गया R1 NH, फिर ये हो गया R2। यहाँ R1 और R2 अल्काइल्स हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते और दोनों इक्वल नहीं भी हो सकते। नाम हो गया टू डिग्री एमाइन, या नाम हो गया सेकेंडरी एमाइन। टू डिग्री एमाइन या नाम हो गया सेकेंडरी एमाइन। अगर नाइट्रोजन के तीनों ही हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और उसके जगह पर थ्री अल्काइल डाल दिया जाए, यहां भी आप लिख सकते हैं टू अल्काइल डाल दिया गया। अल्काइल को डिफ्रेंशिएट, अंतर करने के लिए R1, R2, R3 लिख रहे, तो ये हो गया वन अल्काइल, फिर ये हो गया सेकेंड अल्काइल और ये हो गया थर्ड अल्काइल। तो नाइट्रोजन से थ्री अल्काइल का संबंध है, चाहे उसमें कितने भी कार्बन एटम्स क्यों ना हो, तो ये कहलाएगा थ्री डिग्री एमाइन, या इसी का दूसरा नाम हो गया टर्शियरी एमाइन। इसके एक अमोनियम सॉल्ट भी बनते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ एमाइंस थ्री टाइप्स के आपके बने। तो यहां से एक एक करके पॉइंट आइए। एमाइन की डिग्री थ्री टाइप्स की होती है, तो जब NH3 में वन हाइड्रोजन को हटाकर वन अल्काइल जोड़ा गया तो नाम हो गया प्राइमरी एमाइन, या नाम हो गया हिंदी में प्राथमिक एमाइन। और अगर नाइट्रोजन से टू टू अल्काइल्स जुड़ जाए, R1 और R2, आपकी मर्जी, उसको यहां भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू अल्काइल्स जोड़ना है, एक हाइड्रोजन कहीं भी आप बैठा ले, ये दोनों इक्वल भी हो सकता और ये दोनों इक्वल नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार के एमाइंस को हम लोग नाम देंगे सेकेंडरी एमाइंस या द्वितीयक एमाइंस। और अगर इससे थ्री अल्काइल्स जुड़े हों, R1, R2, R3, ये तीनों इक्वल भी हो सकते और ये तीनों इक्वल नहीं भी हो सकते, इक्वल नहीं भी हो सकते। हो सकता है टू अल्काइल इक्वल हो और एक अलग हो, कुछ भी इस तरह के जितने केसेस आप बना सकते हैं बना लें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है नाइट्रोजन के साथ अगर थ्री अल्काइल्स जुड़े हों तो वो कहलाएगा टर्शियरी एमाइंस। नेक्स्ट आइए प्राइमरी एमाइंस के लिए। आप एक एक करके टर्म आते जाइए। सबसे फर्स्ट हमने एक ले लिया CH3NH2, प्राइमरी एमाइन का एक पार्ट CH3NH2। गौर करिए, कॉमन नेम में CH3 के लिए हम वर्ड डालेंगे मिथाइल और NH2 के लिए हम लोग वर्ड देंगे एमाइन, तो कॉमन नेम में नाम हो गया मिथाइल एमाइन। उसी तरह से अगर यूपेक में जाएं तो वन कार्बन के लिए वर्ड रूट मिथ,
प्राइमरी सफिक्स इज इक्वल टू एन, उसके नेम से ई हटाकर वर्ड जोड़ देंगे एमाइन, तो नाम हो गया मीथेन एमाइन या मीथेनामाइन भी प्रोनाउंसिएशन लोग करते। उसी तरह से अगले हिस्से में आ जाएं, C2H5NH2। C2H5 का नाम सब लोग जानते हैं, इथाइल एमाइन। यूपिक में जाएंगे तो 2 कार्बन के लिए इथ प्राइमरी सफिक्स एन ई हटाकर जोड़ देंगे एमाइन, तो नाम हो गया इथेनेमाइन। उम्मीद है आराम से आप ये सारा नाम सीख जाएंगे, वेरी सिंपल नेम्स। इसी में, इसी कैटेगरी में, जैसे अगर हम और थोड़ा प्रैक्टिस करें कुछ और नेमिंग को अगर देखना चाहें तो यहाँ देख लें, हमने C3H7NH2 लिया अल्काइल 3 कार्बन का। ये 2 प्रकार से लिखा जा सकता है, एक तो ये हो गया ये 3 कार्बन, यहाँ NH2 जोड़ा गया, बाकी कार्बन की वैलेंसी आप 4 पूरी कर ले। फिर यहाँ हो गया 3 कार्बन और यहाँ पर एमिनो ग्रुप जोड़ा गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट या लास्ट में जोड़ने पर वर्ड लगता नॉर्मल या प्राइमरी भी बोल सकते, तो इसके नाम हो गए नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन। बीच में अगर आप जोड़ेंगे तो याद कीजिए इस कार्बन की डिग्री हो गई 2 डिग्री, ये कहलाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल एमाइन। यूपिक में जाएंगे तो याद कीजिए 1 2 3 1 2 3 मिनिमम पोजीशन 1, तो नाम हो गया वर्ड रूट प्रोप। प्राइमरी सफिक्स एन ई हटा दीजिए, मिनिमम पोजीशन 1 और जोड़ दीजिए एमाइन, नाम हो गया प्रोप एन 1 एमाइन। इस पोजीशन में आइए 1 2 3, फिर यहाँ 1 2 3 मिनिमम पोजीशन 2, तो नाम हो गया प्रोप एन 2 एमाइन। दिस इज द नेम। तो आप आराम से प्राइमरी एमीन में और आप कार्बन इंक्रीज करते हुए आप और भी मेंबर इसका बना सकते, आराम से कॉमन और यूपिक नेम लिख सकते। अब आ जाए हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो है सेकेंडरी एमाइन। तो सेकेंडरी एमाइन का फीचर अभी तुरंत बताया गया, जिसमें दोनों तरफ अल्काइल होगा। ये दोनों अल्काइल इक्वल भी हो सकता और ये दोनों अल्काइल इक्वल नहीं भी हो सकता। गौर करें, मान लेते हैं दोनों अल्काइल हमने इस एग्जाम्पल के लिए इक्वल लिया, इसको कॉन्डेंस्ड फॉर्म में लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते CH3 होल 2 NH। बॉन्ड लाइन बनाना हो तो आप ऐसे भी बॉन्ड लाइन बना लीजिए, ये भी चलेगा। इस केस में आए तो मान लेते हैं यहां पर C2H5 NH, C2H5 ये बन गया। इसको आप ब्रीफली लिखना चाहें तो C2H5 का होल 2 NH लिख सकते। बॉन्ड लाइन बनाना हो तो हम यहाँ ऊपर इस जगह पर बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बॉन्ड लाइन यहाँ ड्रॉ कर ले। कॉमन नेम में अगर चलें तो याद कीजिए CH3 का नाम मिथाइल, तो कॉमन नेम हो गया डाई मिथाइल एमाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपिक में जाएंगे तो यूपिक का तरीका जरा सीखें। इसमें तो दोनों बराबर है, वैसे नियम ये होता जो बड़े वाले को आप रहने दें और छोटे वाले को हटा लें। तो जैसे मान लेते हैं इसमें से 1 मिथाइल को हमने हटा दिया और उसकी जगह पर H डाल दिया, अल्काइल को हटाकर H डाल दीजिए, ये 1 डिग्री एमाइन हो गया CH3NH2। और अभी तुरंत हमने 1 डिग्री का नाम बताया, CH3NH2 का नाम हो गया मीथेन एमाइन।
यूपेकनेन, मीथेन एमाइन। अब गौर करिए, सी एस थ्री का नाम मिथाइल और ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा तो नाइट्रोजन के कारण कैपिटल एन डाल दीजिए, और सी एस थ्री का नाम मिथाइल तो इसका नाम हो गया एन मिथाइल मीथेन एमाइन, एन मिथाइल मीथेन एमाइन। एक और प्रयास कर रहे, अगले एग्जाम्पल को देखें। कॉमन नेम C2H5 इथाइल, दोनों इक्वल है, नाम हो गया डाई इथाइल एमाइन, दोनों बराबर डाई इथाइल एमाइन। ये नहीं जो एमाइन तो NH2 होता नहीं, क्योंकि ये अमोनिया से बना, सब में वर्ड एमाइन ही यूज हो रहा। अब दोनों में इक्वल कार्बन है, एक को हटा दें, उसकी जगह पे H डाल दें, C2H5NH2 के नाम हो गए इथेन एमाइन, ये इसके यूपेक नेम हो गए। C2H5 का नाम इथाइल और ये N से जुड़ा तो नाम हो गया N इथाइल, इथेन एमाइन। उम्मीद है नाम कुछ क्लियर हुआ होगा, एक बार और प्रयास करते हैं। एक बार और कोशिश कर रहे, हमने अलग अलग लिया, मान लेते हैं यहां 2 कार्बन लिया, यहां 1 कार्बन लिया। हाइड्रोजन डाल दें, 2 कार्बन के अल्काइल का नाम हो गया इथाइल, 1 कार्बन का अल्काइल हो गया मिथाइल। अगर अल्फाबेट में ले तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल एमाइन, इसका नाम हो गया इथाइल मिथाइल एमाइन। फिर आगे आ जाए, इसी में एक बड़ा नाम ले ले, ताकि आप इनके नामों को समझ सके। गौर करिए, 4 कार्बन के लिए नाम हो गया ब्यूटाइल, बी अल्फाबेट, 2 कार्बन का इथाइल ई अल्फाबेट, पहले बी आएगा तब ई आएगा, तो नाम हो गया ब्यूटाइल इथाइल एमाइन, दिस इज द नेम। यहां यूपेक में चले, यहां 2 कार्बन यहां 1 कार्बन, छोटे वाले को हटा ले, रिमूव कर दीजिए छोटा वाला, वहां H डाल दीजिए, तो ये पूरा कहलाएगा 2 कार्बनित सिंगल बॉन्डेन, और ये कहलाएगा एमाइन इथेन एमाइन। CH3 का नाम मिथाइल और वो N से जुड़ा तो नाम हो गया N मिथाइल इथेन एमाइन, ये इसके नाम हुए। फिर आगे आई, यहां 4 कार्बन, यहां 2 कार्बन, ये कम कार्बन हटा लीजिए, H डाल दीजिए, 4 कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, मिनिमम पोजीशन 1, तो नाम हो गया ब्यूट एन 1 एमाइन। उम्मीद है नाम समझ में आ रहा होगा यूपेक नेम। इस C2H5 का नाम इथाइल और ये N से जुड़ा तो नाम हो गया N इथाइल, इस पूरे को साफ लिख दें, N इथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन। उम्मीद है 2 डिग्री के एमाइंस के नेम आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट आइए, 3 डिग्री टर्शियरी,
टर्शियरी का एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया, अगर नाइट्रोजन के साथ दिस इज 1, 2, 3 ये जुड़े हों तो ये कहलाएगा टर्शियरी एमाइन। तीनों इक्वल भी हो सकते, जैसे एक एग्जाम्पल ले लें CH3N, CH3 और CH3, इट कैन बी रिटन एज CH3 होल 3N। CH3 का नाम मिथाइल, 3 टाइम्स है तो नाम हो गया ट्राई मिथाइल एमाइन, ट्राई मिथाइल एमाइन। इस बार का तीनों पार्ट अलग अलग हम ले रहे, ध्यान से देखते चलेंगे, तीनों ही टुकड़ा हमने अलग अलग लिया। ये था प्रोपाइल, ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, ये पी से, ये एम से और ये ई से। अल्फाबेट में डाल ले, कॉमन नेम में ये कहलाएगा इथाइल, फिर कहलाएगा मिथाइल, फिर कहलाएगा प्रोपाइल और सफिक्स लास्ट में जुड़ेगा एमाइन। अब अगर इसके यूपेक पर हम चले, यूपेक पर तो 1 डिग्री एमाइन के लिए जो सबसे बड़ा है उसको रखिए, छोटा वाले को हटा दीजिए। तो यहाँ तो तीनों ही बराबर है, 2 को हटा लीजिए और उसके जगह पे H डाल दीजिए 1 डिग्री बनाने के लिए। तो अब इसके CH3NH2 का नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा मिथेनेमाइन, ये नाम आप अभी तुरंत सीखे मिथेनेमाइन। अब CH3 का नाम मिथाइल N से जुड़ा, CH3 का नाम मिथाइल ये भी N से जुड़ा, दो दो बार जुड़ा तो दो बार NN लिखेंगे, NN डाई मिथाइल। उम्मीद है नाम समझ में आ गया होगा, NN डाई मिथाइल मीथेन एमाइन, ये नाम उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर आइए, यहां 3 कार्बन एटम्स, यहां 2, यहां 1, बड़े वाले को रखकर छोटे वाले को हटा लें और हटाने पर यहां H डाल लें, तो 1 2 3 1 2 3 नाम हो गया प्रोप एन 1 एमाइन, नाम हो गया प्रोप एन 1 एमाइन। इथाइल और मिथाइल में पहले ई आएगा तो ये हो गया एन इथाइल, फिर हम एरो देकर ऊपर कर रहे हैं हल्का सा, फिर ये मिथाइल भी एन से जुड़ा है तो ये हो गया एन मिथाइल, तो पूरा नाम हो गया एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। उम्मीद है ये नाम थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, एक बार और मेहनत कर लीजिए इस नाम में। जैसे एक नाम ये बना CH3 CH2, यहाँ CH3 यहाँ CH3, एक नाम ये बना, फिर आ जाइए एक नाम बना CH3 CH2 and CH3 CH2 और CH3, दो नाम बने, आपको इनके कॉमन और यूपिक बताने। याद कीजिए 2 कार्बन इथाइल, दिस इज मिथाइल मिथाइल, तो नाम हो गया इथाइल, ये 2 बार है डाई मिथाइल, और फिर ये फैमिली हो गई एमाइन एमाइन। फिर यहां आ जाइए, ये इथाइल और ये मिथाइल, तो नाम हो गया डाई इथाइल, 2 बार है, फिर ये हो गया मिथाइल और फिर ये नाम हो गया एमाइन। उम्मीद है नाम क्लियर हो गया होगा। यूपेक पर आइए, ये सबसे बड़ा, आप आराम से इसको
रहने दें और दोनों को हटाकर H दे दें। C2H5NH2 का नाम सब लोग जानते हैं, इथेनेमाइन। ये मिथाइल मिथाइल दो बार है, दोनों N से जुड़ा, तो N से एक का संबोधन, फिर दूसरे N से एक और का संबोधन, ये हो गया NN डाई मिथाइल। NN डाई मिथाइल इथेन एमाइन। उम्मीद है नाम थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इस पूरे में आए 2, 2 और 1 कार्बन, एक को रहने दे, बाकी को हटाकर H डाल दे। फिर इस पूरे का नाम हो गया इथेनेमाइन। अब ये इथाइल ई से है और ये मिथाइल एम से है, पहले ई और ये एन से जुड़ रहा, तो नाम हो गया एन इथाइल। फिर ये मिथाइल भी एन से जुड़ रहा, फिर हाइफन दे के ये नाम हो गया एन मिथाइल और नाम हो गया इथेन एमाइन। उम्मीद है 3° एमाइन का नाम आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए, अब इस जगह पर एरोमेटिक नाम हम आपको सिखा चुके, जिसमें याद होगा C6H5 का नाम हो गया फिनाइल और NH2 का नाम एमाइन। इसका एक और कॉमन नेम भी होता और वो नाम है एनिलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखेंगे। यूपिक नेम में जाएं, तो ये अगर नहीं होता H होता तो पूरे का नाम बेंजीन। ई हटाकर आप वर्ड जोड़ दें एमाइन, तो नाम हो गया बेंजीन एमाइन। बेंजीन एमाइन एकदम एलिफेटिक वाला नाम जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, C6H5 का नाम फिनाइल। C6H5 का नाम फिनाइल दो बार है, तो नाम हो गया डाई फिनाइल एमाइन। यूपिक में जाएंगे, एक को हटाकर H ले लें, तो अभी तुरंत नाम मिला बेंजीन एमाइन। C6H5 का नाम याद कीजिए फिनाइल, और ये N से जुड़ा हुआ, तो नाम हो गया N फिनाइल बेंजीन एमाइन। ये नाम आप आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट आइए, इसका नाम भी फिनाइल, इसका नाम भी फिनाइल, इसका नाम भी फिनाइल, 3 है, तो याद होगा ट्राई फिनाइल एमाइन। एकदम आराम से देखेंगे, यूपिक नेम में चल रहे, दो को हटा लीजिए, वहां पर H डाल दीजिए। C6H5NH2 का नाम आपको याद है, अभी तुरंत मिला बेंजीन एमाइन। इसका नाम फिनाइल N से जुड़ा, इसका भी फिनाइल N से जुड़ा, नाम हो गया N N डाई फिनाइल। नाम हो गया NN डाई फिनाइल बेंजीन एमाइन। दिस इज द यूपेक नेम और ये था कॉमन नेम। नेक्स्ट आइए, अब इसी फैमिली में C6H5CH3 का नाम याद होगा टॉलविन। एरोमेटिक नाम में आपको पता होगा टॉलविन। अब टॉलविन से जैसे ही 1 हाइड्रोजन हटाएंगे, तो इसका कॉमन नेम होगा बेंजाइल। तो इसका नाम बना कॉमन नेम में बेंजाइल एमाइन। ये इसका कॉमन नेम बना बेंजाइल एमाइन। यूपिक में जाएंगे, अगर ये नहीं होता H होता तो पूरे का नाम था मीथेन एमाइन। और इसका नाम फिनाइल, तो इसका नाम हो गया फिनाइल मीथेन एमाइन। दिस इज द यूपेक नेम। देखते चलेंगे पूरे नामों को। अब इसी फैमिली में एक न्यू नाम लेकर बढ़ रहे, बहुत ध्यान से देखिएगा, नाम है एमाइड।
एक फंक्शनल ग्रुप है CONH2, CO कार्बोनाइल हो गया और NH2 एमाइन ग्रुप हो गया, कार्बोनाइल एमाइन, और इस ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते एमाइड, वर्ड होता एमाइड। नाम लिखने का तरीका, ये इसमें हमारे पास वन कार्बन के एसिड का कॉमन नेम सब लोग जानते होंगे फॉर्मिक एसिड, उसके नाम से एक एसिड हटाकर एमाइड जोड़ दीजिए तो नाम हो गया फॉर्मामाइड। प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, फॉर्मामाइड, CONH2 का नाम हो गया फॉर्मामाइड। यूपिक पर जा रहे हैं, बहुत इजी है। वन कार्बन का वर्ड रूट हो गया मिथ, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, ई हटा दीजिए और वर्ड जोड़ दीजिए एमाइड, तो नाम हो गया मीथेनामाइड। दिस इज द नेम ऑलरेडी रिटन, खाली यहां रीजन समझाते जा रहे। अगला पॉइंट फिर से समझें, टू और एमाइड फैमिली का नाम सीख लें। इसमें आपके पास कार्बन एटम्स की संख्या कितनी, टू। टू कार्बन के एसिड का कॉमन नेम आपको याद होगा एसिटिक एसिड, उसके नेम से आप हटा दीजिए एक एसिड और वर्ड जोड़ दीजिए एमाइड, एक एसिड हटाकर एमाइड जोड़ दीजिए, नाम हो गया एसीटामाइड, एसीटामाइड। तीन ही मेंबर करना है बस। अब यहां पर आपके पास टू कार्बन, तो वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सफिक्स एन, ई हटाकर क्या जोड़ेंगे एमाइड, नाम क्या हुआ इथेनामाइड, इथेनामाइड। दिस इज द यूपेक नेम, दिस इज द कॉमन नेम, संभालते जाइएगा। अब यहां पर कार्बन चेक करें, टू और वन, थ्री कार्बन के एसिड का कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड, उसके नाम से आप क्या हटाएंगे एक एसिड और क्या जोड़ेंगे एमाइड, तो नाम हो गया प्रोपायोनामाइड, प्रोपायोनामाइड। नाम पर प्रैक्टिस करेंगे, मात्र थ्री एग्जांपल्स। थ्री कार्बन का वर्ड रूट प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, ई हटाकर क्या जोड़ेंगे एमाइड, तो नाम क्या हो गया प्रोपेनामाइड, नाम क्या हो गया प्रोपेनामाइड। आराम से ये नाम आप पूरा कर सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल, ये नाम आप आराम से लिख सकते हैं। अब एक एक करके आप एमाइड के जो डेरिवेटिव हैं वो बताते हैं। अभी तुरंत एक ये फैमिली बना, याद कीजिए, ये था कॉमन नेम में फॉर्मामाइड और यूपिक नेम में मीथेनामाइड। अभी तुरंत हमने नाम बताया, मान लेते हैं ये एक H हटकर यहाँ CH3 आ गया, तो इसको हटाकर अगर H लेंगे तो यूपिक नेम हो गया मीथेनामाइड, और ये मिथाइल N से जुड़ा तो नाम हो गया N मिथाइल मीथेनामाइड। दिस इज द यूपिक नेम, और यही फॉर्मामाइड कर देंगे तो कॉमन नेम। पूरा फोकस यूपिक पर ही लगाइएगा। फिर एग्जांपल देखिए, इसी में मान लेते हैं ये एक कंपाउंड, इनके दोनों हाइड्रोजन को हटाकर 2-methyl जोड़ दिया गया, कॉमन नेम में हो गया डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। यूपिक पर मेहनत करिएगा, दोनों को हटाकर H डाल दें तो वन कार्बन से ये नाम बना मीथेनामाइड। ये नाम बना।
और ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, दोनों एन से जुड़ा तो नाम हो गया एन एन डाई मिथाइल, नाम हो गया एन 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 डाई मिथाइल मीथेनामाइड। उम्मीद है नाम थोड़ा समझ में आ रहा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका अगला पॉइंट फिर से देखें, फिर कुछ एग्जांपल पर मेहनत कर रहे। मान लेते हैं ये एक कंपाउंड बना, इसका नाम अभी तुरंत आपको कॉमन नेम में याद होगा एसीटामाइड, और यूपिक में भी नाम याद होगा इथेनामाइड। ये नाम अभी तुरंत मिला, टू कार्बन का वर्ड रूट इथ। अगर यहां पर CH3 आ जाए तो इसको हटाकर H जोड़ दें तो ये नाम बन गया, CH3 का नाम मिथाइल N से जुड़ा तो नाम हो गया N मिथाइल मिथेना एसिटामाइड। यूपिक में जाएंगे तो ये होगा N मिथाइल इथेनामाइड, ये इसके नाम हो गए कंप्लीटेड। फिर यहीं पर आइए, अब इसका अगला फार्मूला हम यहाँ ले लें, अलग अलग वैरायटी वैरायटी में बदल कर प्रैक्टिस करते चलेंगे। ये बना, इसके लिए नेमिंग पर आइए, गौर करिए, इस पूरे हिस्से का नाम था कॉमन नेम में एसिटामाइड और यूपिक नेम में नाम था इथेनामाइड। अब ये दो अलग अलग है, इसका नाम इथाइल और इसका नाम मिथाइल, और ये दोनों जुड़ रहा तो यहां पर हम लेंगे, ये कहलाएगा एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइड, और ये भी कहलाएगा एन इथाइल एन मिथाइल एसिटामाइड। उम्मीद है ये दोनों नाम आपको आइडिया लग गया होगा। एमाइड में तो थोड़ा मेहनत करके आप इस पर सॉल्व करेंगे, जितने भी इसके होमवर्क मिलेंगे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो एमाइड के बेसिक फैमिली को पूरा बना लें, एमाइन बना लें, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और फिर कॉमन और यूपिक नेम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।